अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हो? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अल्लाह के करम से ठीक होंगे। तो वेलकम बैक नियर द ब्लॉग। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, आजकल चैनल बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। अच्छी बात नहीं है यार, असल में सीन ये है ना कि मैं वीडियो बहुत लेट डालता हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे आपका भाई मैं कहता हूँ कि गला फाड़ के वीडियो बनाया करें, और तुम्हारा भाई अब बहुत वीडियो डालने वाला है, तुम्हारा भाई नहीं पकड़ा जाएगा। तो सीन ये है कि यारा जी, पिछले महीने में ना मेरे मामू की शादी थी और मेरे हाला की शादी थी। तो सीन ये था कि मैंने एक महीने बाद पूरी वीडियोस डाली हैं, जिसकी वजह से ना व्यूज बहुत कम आते हैं, क्योंकि मैं वीडियोस बहुत लेट डालता हूँ। इंशाल्लाह ना अब से मैं सही वीडियोस डाला करूँगा। तो सीन ये है यारा जी कि मेरे भाई की शादी आ गई और साथ मेरी सिस्टर की भी शादी है। तो सीन ये है कि शादियाँ दो दो हैं घर में, तो तैयारियाँ शहर मुकम्मल हो गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये आप चेक कर लें जी, ये सामान शमान सारा पड़ा हुआ है, दुल्हनों का सामान पड़ा हुआ है, उसके साथ ना ये मतलब इन्होंने पैकिंग वगैरह किया, ये मेरा बेड है, यहाँ पर भी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। तो सीन ये है। तो बाकी हमने ना लाइटिंग सेटिंग घर के बाहर कर दी है, तो सीन सीन आपको चेक करवाते हैं बाहर से जाके भी। और बाकी जैसा कि जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि जब मेरे मामू की शादी, तो तब हमने ना हफ्ता पहले लूडो शूडो खेला स्टार्ट की थी, और ताश वगैरह हम खेलते थे, सारे लड़के ना इकट्ठे बैठा करते थे। तो वही सीन्स है यार, ये पुरानी रस्में साथ है। जो लोग इंडिया से आए हुए हैं ना, जो लोग मकबूजा कश्मीर से आए हुए हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, वो ना ये पुरानी मतलब जितनी भी रस्में ना सब करते हैं, तो हम भी करते हैं। तो ये जो नई जनरेशन है यहाँ की, मतलब जो यहाँ के रिहायशी थे पक्के वाले, वो मतलब उनको इतनी रस्मों का नहीं पता। जो हम में ना मतलब जो इंडिया से आए हुए हैं, हम ना काफ़ी मतलब पुरानी रस्में ना करते हैं। तो सीन ये है कि जो होगा इंशाल्लाह आपको शादी पे दिखाएंगे। तो अभी तो शादी को दो दिन रहते हैं, आज बुध का दिन है और परसों जुमा है, परसों मेरे कज़न की मेहंदी, हफ्ते वाले दिन मेरे भाई की भी मेहंदी और साथ मेरी सिस्टर की भी मेहंदी, उसके बाद भाई की बरात है, वलीमा है, फिर सिस्टर की रुखसी है, काफ़ी सारे मकसद होंगे, पाँच छः दिन शादी चलेगी। तो इंशाल्लाह आपको सारी शादी डिस्कवर करवाएंगे। तो अभी तो फिलहाल ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, तो चलें फिर आगे आपको लाइटिंग चेक करवाते हैं आज। अच्छा जी, ये सीन्स आप चेक कर लें, ये हमारे घर की लाइटिंग है, ऊपर छत के ऊपर भी सही लाइटिंग सेटिंग हुई है। अच्छा जी, अभी हम बैठे हुए हैं इधर लूडो शूडो खेलने के लिए, बल्कि मैं और कादर भाई ने चारपाई पे लेटे हुए हैं, तो साथ टिकटॉक देख रहे हैं, और साथ ये लड़के आप चेक कर लें, सारे ताश और लूडो कोई ना कोई खेल रहे हैं, तो हम ना फ़ोन पे लगे हुए हैं। अभी मैं नीचे आया हूँ, ये आप चेक कर लें मिठाई, तो मैं भी मिठाई लेके जा रहा हूँ ऊपर लड़कों के लिए, और साथ चाय लेके जा रहा हूँ। आज मेहंदी है और मैं और मेरा भाई दोनों गए हुए थे केक लेने के लिए। हम फुटपाल चौक वाली साइड से ना केक लेके आए हैं, ये आप केक चेक कर लें माइयों का। अगर आपने ऐसा केक बनवाना हो तो मैं पेज साथ मेंशन करें, तो आप इनसे बनवा लें। यारा जी, सीन ये है कि अभी हम आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, और आज नेक्स्ट डे है। तो कल रात को मैंने ब्लॉग उधर एंड किया था, मतलब कल रात को मैंने जो ब्लॉग बनाया था उससे अगले वाला एक क्लिप है। तो सीन ये कि अभी हम आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए बाजार, और आज है मायू, और ये मैंने केक शेक बनवा लिया आज, आप चेक कर सकते हैं, ये मायू का केक है, और हम इसको अभी घर जाके कट शट करेंगे। तो सीन ये है कि शॉपिंग वगैरह हमने कर ली है, कपड़े वगैरह सिलवा लिए हैं, और जो जो वेस्ट कोट प्रिंट कोट जो जो लेनी थी ले लिया। सीन ये कि अभी हम बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो भाई मेरा गया हुआ है अभी इन फीस पे, वो अभी खाने पीने के लिए कुछ लेने गया हुआ है, और उसके साथ ना वो बेकरी वगैरह का सामान लेने के लिए गया हुआ है। अच्छा, ये ना जो सीन ये है कि आज हमारे घर में माइयों और साथ ना मेरे कजन के सामने वाले घर में ना मेहंदी है, तो हमने मेहंदी में भी जाना है, उसके बाद हमारे घर में माइयों भी होगी। तो सीन जी सारे ये देख सकते हैं माइयों के फूल, और कमरे शमरे हमने साफ कर दिए हैं, वो जैसे देसी गाड़ी में नहीं होता कि कमरे साफ करके नीचे ना बिछा देते हैं बिस्तरे, तो उसके ऊपर सारे कजन लेटते हैं, तो यहाँ पर भी वही सीन होगा देसी गाड़ी। तो अभी हम होते हैं तैयार, शहर भी आप यहाँ देख सकते हैं, मलंगू वाली हालत हुई है यार, आपको भाई मलंग बन गए यार, और ₹50 कट ओवर एक्टिंग के। कौन सा इसमें धोखा मिला आपको भाई को, कोई धोखा नहीं मिला, क्योंकि आपको भाई ना मलंग बन गए। तो सीन क्या है कि यार ये होते हैं तैयार शहर, तो गली पे जाते हैं, उसके बाद ना कल हम जाते हैं इंशाल्लाह अपनी कटिंग वटिंग करवाते हैं, हाथ करवाते हैं। तो आज तो मेरा खास मूड नहीं था, जिसकी वजह से मैं कटिंग वटिंग करवाता, चले कल इंशाल्लाह सब कुछ फिट होगा। तो चले अभी तैयार शहर होते हैं, आपको अपनी मेहनत की रुख के साथ मिलते हैं, तो चले फिर। ये है जी मेरी ड्रेसिंग, कज़न की मेहंदी के लिए मैंने ब्लैक वेस्ट कोट पहनी हुई है, उसके साथ सूट पहना हुआ है, और साथ नीचे ब्लैक शूज़ पहने हुए हैं, और अभी मैं आपको सिनेमैटिक तरीके से दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं कज़न की मेहंदी पे गया था, तो वहाँ से मैं ना जल्दी वापस आ गया हूँ, तो घर पे आके ना ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अच्छा जी, मैं अभी वापस आया हूँ शादी से, तो मैंने देखा है तो घर वालों ने ना ये डेकोरेशन की हुई है, ये फूल वगैरह लगाए हुए हैं, उसके साथ ना गुब्बारे वगैरह भी लगाए हुए हैं, डेकोरेशन वगैरह कर दिए। जी सीन ये है कि अभी मायूस ही हो गया, तो अभी ना हम इजी हो गए, तो बाकी सामान समान इधर ही बिखरा हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं। तो सीन ये है कि यार जी, आपके भाई का बस एक ही काम था फोटो शूट करना, वो आपके भाई ने ना एकदम से मज़े से फोटो शूट की है। तो सीन ये है कि यार आपके भाई को ना आगे एक शादी की बुकिंग मिल गया, उन्होंने बोला ना यार तुम ना मेरी शादी पर ना फोटो शूट करना। मैंने कहा यार एक घंटे के ना 10,000 लूँगा तो कर दूंगा,
आपका भाई तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, वो भी आईफोन का एक्सपर्ट। तो सीन ये है कि हीरा जी अभी कल हमारे घर में मेहंदी होगी, तो जो जो होगा आपको साथ साथ दिखाएंगे, उसका मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। तो अभी फुल थका हारा हूँ, अभी लेटा हुआ इधर गद्दे पे। तो सीन ये हीरा जी के ये आप चेक कर सकते हैं, ये है देसी माहौल। और देसी माहौल में ये होता है कि कदम से सारे एक ही गद्दे पर लेटते हैं नीचे, तो यहाँ पे भी ये सीन चल रहा है। तो अभी चलते हैं दूसरे कमरे में, उधर फिर लूडो जूडो खेलते हैं, तो ताश वगैरह खेलते हैं, उसके बाद जो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। चलो फिर अभी चलते हैं। हीरा जी अभी रात के 2:15 का टाइम हुआ है, अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, हमें नहीं पता किधर जा रहे हैं। तो फाइनली अभी हम आ गए कोयटा पे, तो यहाँ पे हम बैठ के कोई चाय शाय पीते हैं, कोई पराठे वगैरह तोड़ते हैं, तो उसके बाद हम वापस चलते हैं घर। अच्छा जी, फाइनली आज अगला दिन है, तो आज हमने कटिंग वटिंग करवा ली, आप मेरी कटिंग चेक कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग श्लैंडिंग मैंने करवा दी है। तो अभी सीन ये है कि अभी मेहंदी है थोड़ी देर तक, अभी 7:30 का टाइम हो गया, अभी तक बिल्कुल हमारे फंक्शन का कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बहुत ही लेट हमारे स्टार्ट होते हैं। तो अभी हमने कपड़े शपड़े भी कोई नहीं पहने, ना कोई किसी को पता है मेहंदी स्टेज तैयार हुआ है, तो मैं आपको बाहर जाके चेक करवाता हूँ। तो अभी इन्हीं सीन्स के साथ ना अभी चलते हैं, आपको चेक करवाते हैं मेहंदी वाला व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा। या तो अभी मैं आपको अपना स्टेज चेक करवाता हूँ, ये आप माशाल्लाह से चेक करें, बहुत ही प्यारा बना, ये राजा वेद साहब की ज़ेर निगरानी में बना ये वाला स्टेज भी। तो ये माशाल्लाह से आप चेक करें, ये ऊपर ना ये लगे हुए हैं पत्ते छत्ते, और ये मैं आपको पूरा इसका व्यू चेक करवाता हूँ। बाकी आपको सारा सीन चेक करवाएंगे बाद में नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा जी, अभी मेहंदी का केक हो गया, ये मैंने ना अपनी पसंद से बनवाया है, मतलब गूगल में से निकाल के ना मैंने उनको ऑर्डर किया, तो उन्होंने बना दिया है। अच्छा यार जी, अभी वो चीज़ें आ गई हैं जिनका सही शादी पे मजा आता है, जिनके बगैर शादी अधूरी अधूरी लगती है, वो है ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये आ गया जी गोले छोले, ये शरमैया है सारी, ये आप चेक कर लें, और ये आतिशबाजी है सारी, ये अनार हैं बड़े बड़े गोले जो होते हैं वो है। तो इसकी इंशाल्लाह सही चस आएगी, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अगले आने वाला ब्लॉग ना शादी के होंगे, इससे अगला ब्लॉग मेहंदी वाला होगा। तो अभी मैं फिर इस वीडियो को दरियान कर देता हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर इस वीडियो को दरियान करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखकर अच्छी लगी होगी। खुश रहें, आप सबको खुश रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।